मनन करो इस किताब पर, मेरी प्रतिज्ञाओं पर मनन करो, मैंने जो कहा उस पर मनन करो, और अपने मन को और अपने दिल को मनन के द्वारा तुम तैयार करो, उसके बाद में तुम अच्छी सफलता पाओगे, तब तुम अपने मार्गों को सफल करोगे। We fall down, we lay our hands at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. प्लीज मेरे साथ में देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 का अंतिम भाग पढ़ेंगे और वचन 6 पूरा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1, वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और उसने हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमेन। हमारी सीरीज कि हम कौन है, हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कैसे राजा हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत सच्चाई है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये चर्च में बिना बताए ऐसे ही चलती रहा है, और मैं सोचता हूं कि इस सच्चाई पर हमें जोर देना चाहिए, क्योंकि मदद करता है बहुत ही उत्तम और बेहतर जीवन जीने में, जब हम सीखते हैं कि हम लोग राजा हैं। छुटकारे ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसने कुछ बढ़कर किया है, केवल पापों की क्षमा से बढ़कर। जो वचन मैंने पढ़ा है ये मुझे इसी कारण बहुत ही ज्यादा पसंद है। कहता है उसने हमसे प्रेम रखा है और उसने अपने लहू से हमारे पापों को धोया है। छुटकारे की केवल यही कहानी नहीं है और हमें राजा भी बनाया है। परमेश्वर ने हमसे केवल प्रेम ही नहीं किया और अपने लहू से हमें केवल धोया ही नहीं, वो आगे बढ़ता है और उसने कुछ और भी किया, उसने हमें राजा भी बनाया, ये बाइबल कहती है। ये तो ऐसी बातें हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कभी अध्ययन नहीं करते, लेकिन मैं सोचता हूं यही वो बातें हैं जो हमें बेहतर जीवन जीने में मदद करती जाती हैं। हम राजा के बारे में देख रहे हैं, राजा का जीवन किस बारे में होता है। मैंने बताया कैसे हमारे राजा होने के बारे में प्रकाशन होना चाहिए, कैसे राजा का अधिकार उसके शब्दों में होता है, कैसे वो अपने शब्दों से राज्य और अधिकार करता है, और फिर हम राजा के धन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है, राजा का धन
उसके पास विरासत के रूप में आता है, बड़ी मेहनत या कष्ट से नहीं आता। राजा प्रतिदिन काम करने के लिए नहीं जाता कि वो कष्ट करे, दिन और रात काम करे ताकि उससे कुछ तनख्वाह मिले। वो काम करता है लेकिन उसमें कष्ट नहीं है। वो विरासत के रूप में इसे पाते हैं जो उनके लिए कई पीढ़ियों से रखा गया है। उसके पूर्वज जो कि पहले से ही राजा रहे हैं, उन्होंने उसके लिए कुछ विरासत रखी है। बाइबल हमें बताती है, हमें राजा कहने के द्वारा बताती है कि हमारी संपत्ति भी हमारे पास में विरासत के रूप में ही आती है। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। आमेन। तो हम परमेश्वर की आशीष के वारिस हैं, और इसलिए जब ये धन के बारे में कहता है, विश्वासी के धन के बारे में, तो यहाँ पर नीति वचन अध्याय 10 वचन 22 में ये कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। कौन धनी बनाता है? परमेश्वर की आशीष, आपकी कड़ी मेहनत नहीं, प्रभु की आशीष। देखिए, बहुत से लोग अपना विश्वास रखते हैं अपनी मेहनत पर। मैं काम में विश्वास करता हूँ लेकिन कष्ट में नहीं। परमेश्वर की आशीष ही धनी बनाती है। मैं आशीष पर विश्वास करता हूँ और आशीष हमारे लिए क्या कर सकती है उस पर बड़ा विश्वास करता हूँ। मैं प्रभु की आशीष पर घमंड करता हूँ, इस पर नहीं कि मैंने कितना किया और मैंने कितना पसीना बहाया है या मैंने क्या हासिल किया है। प्रभु की आशीष मेरी मदद करती है। प्रभु की आशीष, सब लोग कहिए प्रभु की आशीष। प्रभु की आशीष तो बहुत ही अद्भुत ऐसा विषय है और इस पर मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। ये विषय मुझे कभी नहीं छोड़ता है। प्रभु की आशीष ही धनी बनाती है। ये यहीं पर खत्म नहीं करता लेकिन आगे कहता है कि वो उसके साथ में दुख मिलाकर नहीं देता है। ये शब्द दुख, ये उत्पत्ति अध्याय 3 में पहली बार आता है जहां पर मनुष्य ने पाप किया और उसके पाप के परिणाम में परमेश्वर ने कहा कि तुझ पर ये सारे श्राप आएंगे। उसने कहा तेरे कारण पृथ्वी श्रापित हुई है। परमेश्वर ने आदम से कहा कि अब तू दुख के साथ अपनी रोटी खाया करेगा। यानी दुख तो तब आया जबकि मनुष्य ने पाप किया और श्राप आ गया। दुख श्राप के साथ में आया। परमेश्वर की असली योजना ये नहीं थी कि हमें दुख दे। दुख के पहले वहां पर दो अध्याय हैं, उत्पत्ति 1 और 2। ये परमेश्वर की असली योजना है, मुझे ये पसंद है। अध्याय 1 और 2, मैं यहीं पर जाना चाहता हूं। हम अध्याय 3 और उसके बाद में जी रहे हैं लेकिन हम पतन पाए मनुष्य नहीं हैं, हम तो अभी छुड़ाए गए लोग हैं। हम श्राप में नहीं लेकिन परमेश्वर की आशीष में हैं। आमेन। तो अब देखिए, पहले दो अध्याय में कोई दुख नहीं है। यहां पर क्या है? यहां पर यहोवा यीरे है, वो एल शदाय, जिसने जरूरत पूरी की, हर एक जरूरत आदम और हव्वा की भरपूरी से, पर्याप्त से बढ़कर उसने उन्हें काम दिया लेकिन कोई कष्ट नहीं दिया उनमें। वहां पर कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, वहां पर दुख नहीं था। सारी जरूरतें पूरी हुई क्योंकि प्रयोजनकर्ता परमेश्वर था। परमेश्वर ऐसे ही चाहता है, जब वो देता है तो कोई दुख नहीं होता है। हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राजा का जो धन है परमेश्वर के प्रयोजन के कारण आता है, इसलिए उसमें कोई दुख नहीं होता है। लेकिन हमारा मनुष्य का मन इसे स्वीकार नहीं कर सकता है क्योंकि ये तो अपने तरीके से निश्चित किया गया है, ये तो इस तरह से निश्चित किया गया है पतन के स्वभाव के साथ ही। तो हम संसार के तरीके से सोचते हैं जैसे वो सोचते हैं, क्योंकि हमारे आसपास सभी लोग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनके पास में अलग विचारधाराएं हैं और हम किसी तरह से इस संसार के भागी हुए हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि संसार के सदृश्य न बनो लेकिन बदलते चले जाओ तुम्हारे मन के नए हो जाने से। वो कितनी अद्भुत बात यहाँ पर विश्वासियों से कहता है। वो कहता है संसार के जैसे न बनो, इस संसार के सदृश्य न बनो लेकिन बदलते चले जाओ अपने मन को नए बनाने के द्वारा। जब तक कि आप अपने मन को नया न बनाएं, आप परमेश्वर की इच्छा की परिपूर्णता में नहीं चल पाएंगे। प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में साबित करेंगे केवल तभी जब आप इस जीवन में नए मन के साथ में चलते जाएंगे। यानी मन को नया बनाना तो विश्वासी का काम है। हमें अपना मन नया बनाना है। यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि, ये परमेश्वर ने काम किया है हमारे भीतर में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में। मैं ये नहीं कर सकता, उसने किया है, उसने मुझे नई सृष्टि बनाया है। वो सृष्टि करता है, उसने मुझे फिर से नया बनाया है। लेकिन मन को नया बनाना कुछ ऐसा है जो मुझे करना है, मुझे इसमें जुड़ जाना है और मुझे प्रतिदिन अपने मन को नया बनाते जाना है। और जैसे मैं इसे करते चले जाऊंगा
तो मैं सफलता और संपन्नता में चल सकूंगा और परमेश्वर की इच्छा की परिपूर्णता में चल सकूंगा। हम अपने मन को कैसे नया बनाया, और यहीं पर हमने देखा जब हम मनन के बारे में चर्चा कर रहे थे। यहोशू प्रतिज्ञा का देश लेने जाने के पहले प्रभु ने उससे कहा, रुको, क्योंकि पिछली बार तुम चूक गए थे। तुम इतने दूर से आए और प्रतिज्ञा के देश से बस कुछ ही फीट की दूरी पर थे और तुम पीछे हट गए। तुम्हारे लोगों ने तुम्हें भीतर जाने नहीं दिया कि दूध और मधु के देश को ले ले, क्योंकि दूध और मधु तो उनके मन से बहुत ही दूर था। वो दूध और मधु के जीवन के बारे में समझ ही नहीं सकते थे, ऐसा जीवन जहां दूध और मधु बहता है। और इसलिए तुम पीछे हट गए और तुम जंगल में चले गए और पूरी पीढ़ी वहां जंगल में ही नाश हो गई। इस समय मैं चाहता हूं तुम रुक जाओ, मैं चाहता हूं तुम कुछ करो। और फिर वो कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे मुंह से कभी दूर न होने पाए। वो यही कहता है, तुम्हारे वहां जाने के पहले चलो मैं तुम्हें तैयार करता हूं। व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना होने पाए, पर तू इस पर दिन रात मनन करते रहना, ताकि इसमें जो कुछ भी लिखा है उसे करने की तू चौकसी करे। यह है यहोशू अध्याय 1 वचन 8। तब तू अपने मार्ग सफल करेगा और तू अच्छी सफलता पाएगा। अब ये काम जो कि आप करने वाले हैं, ये तो बहुत ही अलग सा काम है। आप प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेंगे, दूध और मधु के देश में। वहां पर बड़ी शहरपना है, वहां पर दानव हैं, वहां शत्रु हैं। अगर इसे देखते रहेंगे तो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसे पिछली बार तुम असफल हो गए थे, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस समय तुम मनन करो। मनन करो इस किताब पर, मेरी प्रतिज्ञाओं पर मनन करो, मैंने जो कहा उस पर मनन करो। और अपने मन को और अपने दिल को मनन के द्वारा तुम तैयार करो, उसके बाद में तुम अच्छी सफलता पाओगे, तब तुम अपने मार्गों को सफल करोगे। तो मैं आपको मनन के बारे में बता रहा हूं। मनन के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बताया है कि मनन क्या है और ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे कल्पना कैसे मनन में भूमिका निभाती है, कैसे आप मनन कर सकते हैं कल्पना का उपयोग करते हुए। मेरे साथ देखिए उत्पत्ति अध्याय 11। परमेश्वर ने हमें दी है ये कल्पना करने की सामर्थ। मैं सोचता हूं कि विश्वासी पूरी तरह से अनदेखा करते हैं कल्पना करने की इस सामर्थ्य के बारे में। मैं सोचता हूं कि संसार ने इसमें से बहुत कुछ कमाया है, संसार ने इसे लिया है। आप मोटिवेशनल किताबों को देखिए जो हम पढ़ते हैं, उसमें एक चैप्टर होता है द पावर ऑफ इमेजिनेशन। क्या आपने कभी देखा है? और इसी कारण मसीह लोग इसका इनकार करते हैं, कहते हैं ये तो संसार से है, क्योंकि ये कल्पना की सामर्थ के बारे में कह रहे हैं। आप इसे ऐसे ही न छोड़ दे, क्योंकि ये इसके बारे में कह रहे हैं, वो इसे बाइबल से ला रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, हमें उसके बारे में शर्म नहीं आनी चाहिए। ये हमारी बाइबल से है, हमारे परमेश्वर से है, ये सिद्धांत हमारे परमेश्वर के हैं। उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर ये सारे सिद्धांत ले लिए। हम सिद्धांतों को छोड़ देते हैं और केवल परमेश्वर को लेते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, हम विश्वासी केवल यीशु को लेते हैं, सिद्धांतों को छोड़ देते हैं। वो सिद्धांतों को लेते हैं और यीशु को छोड़ देते हैं। यही तो बात है। मुझे यीशु भी चाहिए, उसके सिद्धांत भी चाहिए, क्योंकि उसने संसार को स्थापित किया। ये संसार तो काम कर रहा है, अपना काम करते जा रहा है, क्योंकि उसके योजना और उद्देश्य के अनुसार है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसके सिद्धांत क्या हैं, कि सब कुछ कैसे बना है और सब कुछ कैसे काम करता है, वही बता सकता है। मैं उसके सिद्धांतों का इनकार नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके सिद्धांत मुझे सफलता की ओर लेकर जाएंगे। तो संसार ने इस कल्पना और कल्पना की सामर्थ्य के द्वारा बहुत कुछ किया है, और विश्वासी कल्पना की सामर्थ्य को वो पूरी तरह से अनदेखा करते हैं, मन की सामर्थ्य को भी। मैं इतने साल से चर्च में था और किसी ने भी मन को नया बनाने के बारे में नहीं कहा। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं तो बस आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप मुझ पर दोष मत लगाइए। जब भी चर्च खुलता था मैं वहां पर पहले था। ये नहीं कह सकते मैं नहीं था। मैं वहां पर संगीत बजाता था, गीत गाता था, मैं हमेशा वहां पर रहता था। किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे मेरे मन को बदलना है। सब बता रहे थे कि मुझे मेरा शर्ट बदलना है और बताया कि हेयर स्टाइल बदलनी है। किसी ने ये नहीं बताया कि अपने मन को कैसे बदले कि मेरा जीवन बेहतर हो जाए। ये तो सच्चाई है, मैं तो बस आपको सच्चाई बता रहा हूं। मैं समुन्द्र पार करके विदेश में गया अध्ययन करने के लिए, और वहां पर किसी भाई ने मुझे ये बताया कि कैसे हमें अपने मन को नया बनाना है, ताकि हमारा जीवन बिल्कुल नया हो जाए, नया जीवन हो। इसलिए बहुत से लोगों ने इस विचार को पूरी तरह से अनदेखा किया कि मन को नया बनाना या फिर विचार में कितनी ताकत है, मन की सामर्थ्य, और परमेश्वर ने हमें मन क्यों दिया है। कई बार मैं सोचता हूं कि बहुत ही आत्मिक विश्वासी लोग
उन्होंने निर्णय लिया कि मन को लेकर शेल्फ में रख देंगे, कहीं पर रख दे, उसका कभी उपयोग न करे, क्योंकि सोचते हैं कि मन में कुछ भलाई नहीं है, ये प्रभु के विरुद्ध में है। लेकिन मन को नया बनाना है और परमेश्वर द्वारा उपयोग होना है, ये तो परमेश्वर के हाथों में बहुत ही अद्भुत ऐसा साधन है। ये बना सकता है, इसमें सामर्थ्य है, योग्यता है कि ये रचनात्मक होते चले जाएं और पुरानी समस्याओं के जवाब को लेकर आए। मन इसी तरह से बना है, परमेश्वर ने हमारे मन को ऐसे बनाया है, ये सामर्थ्य हथियार जो प्रभु ने दिया और हम इसे अनदेखा करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है मन की सामर्थ्य के बारे में, विचारों की सामर्थ्य के बारे में, हमारी कल्पना की सामर्थ्य के बारे में। बाइबल ऐसी चीजों से भरी है और स्वयं परमेश्वर इसे सर्टिफाइड करता है। इसे जिसे मैं अभी पढ़ने वाला हूं, परमेश्वर खुद ऐसे लोगों के समूह को देखता है जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कल्पना की और कुछ विचारों के साथ आए और उसके अनुसार करना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है उन्होंने जो कुछ भी करने की कल्पना की, उन्हें कोई उससे रोक नहीं सकता है। परमेश्वर कहता उन्हें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ऐसा करने की उन्होंने कल्पना की है। उन्होंने कल्पना की सामर्थ्य का उपयोग किया है और इस कल्पना ने उनके दिल में एक चित्र बनाया है, और इसलिए जो कुछ भी उन्होंने कल्पना की है उससे प्राप्त करने से उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा, हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन चलिए पहले मैं आपको ये परिभाषा दे दूं कि कल्पना क्या है। वेबस्टर्स डिक्शनरी में कल्पना के बारे में इस तरह से परिभाषा है, कल्पना तो वो काम है या वो सामर्थ है जहां पर हम मन में किसी बात का चित्र बनाते हैं जो ज्ञानेंद्रियों के सामने नहीं है या वास्तविकता में उसे कभी हमने हासिल नहीं किया है। कल्पना क्या है? कल्पना तो वो काम है या फिर वो सामर्थ है जहां पर हम मन में चित्र बना लेते हैं, किसका? उसका जो कि वहां पर वर्तमान में ज्ञानेंद्रियों के सामने नहीं है, ऐसा जिसे आप महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन कल्पना कर सकते हैं। देख नहीं सकते लेकिन कल्पना कर सकते हैं। देखिए, बीमार होने पर तंदुरुस्ती नहीं दिखती। आप बिस्तर पर पड़े हैं, डॉक्टर कहते हैं आप बीमार हैं, सब कहते हैं कि आप बीमार हैं, तो आप केवल बीमारी देखते हैं, आप तंदुरुस्ती नहीं देखते हैं। लेकिन जो ज्ञानेंद्रियों के सामने नहीं है, चंगाई ज्ञानेंद्रियों के सामने नहीं है, केवल बीमारी वहां पर ज्ञानेंद्रियों के सामने है। हालांकि वो ज्ञानेंद्रियों के सामने नहीं, लेकिन चंगाई की कल्पना कर सकते हैं। जो बिस्तर पर पड़ा है, बीमार है, वो ये कल्पना करें, उसे क्या कल्पना करना है? उसे कल्पना करना है कि उठकर खड़ा हो रहा है, चल रहा है, कि वो सामान्य जीवन जी रहा है। वो कल्पना करे कि वो दीर्घायु का जीवन जी रहा है। उसे ये कल्पना करना है कि वो अच्छी तंदुरुस्ती में है। उसे कल्पना करना है कि वो चंगा हुआ है, खड़े होकर चल रहा है। वो कल्पना करे, ये यही तो कह रहा है। ये तो कल्पना की सामर्थ है। कल्पना तो वो काम या फिर वो सामर्थ है, ये तो दिमाग में एक चित्र को बनाना है ऐसी चीज की जो कि वहां पर ज्ञानेंद्रियों के सामने नहीं है या वास्तविकता में उसे कभी हासिल नहीं किया है। शायद आप जो कल्पना कर रहे हैं उसका पहले कभी अस्तित्व नहीं रहा, कभी नहीं जाना कि उसका अस्तित्व है, उसे नहीं देखा और कभी उसके बारे में नहीं सुना, लेकिन उसकी कल्पना कर सकते हैं। आप उसे देख नहीं सकते लेकिन आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। आंखों से नहीं देख सकते लेकिन आप उसकी कल्पना तो कर सकते हैं। कल्पना तो इसी के बारे में है। अब इसे देखिए, उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 6, आप बाबेल के मीनार की कहानी जानते हैं। उन्होंने एक बड़ा मीनार बनाने की कोशिश की। ये परमेश्वर के लोग नहीं थे, ये तो सच में अपने घमंड में कर रहे थे। वो इसलिए ऐसे नहीं कर रहे थे क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था या फिर परमेश्वर की इच्छा थी या अपने कामों द्वारा परमेश्वर को वो महिमा दे। वो खुद को महिमा देने की कोशिश कर रहे थे, बताना चाहते थे वो कितने महान हैं। इस बात के पीछे यही उद्देश्य था। तो वो बाबेल का मीनार बनाने की कोशिश कर रहे थे और देखिए परमेश्वर क्या कहता है। वचन 6, यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सबका एक ही दल है और भाषा भी उन सबकी एक है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। यानी ये कल्पना उन्होंने की थी। परमेश्वर आकर इस प्रोजेक्ट को देखता है। बाबिल का मीनार बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा था और वो कहता है कि अब कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाएगा जो उन्होंने करने की कल्पना की है। परमेश्वर सर्टिफाइड करता है कि संसार में कोई भी उन्हें वहां पर रोक नहीं सकता है। पैसों की कमी उसे रोक नहीं सकती है, स्रोतों की कमी रोक नहीं सकती है, मजदूरों की कमी रोक नहीं सकती है, कुछ भी नहीं, वो पूरा करेंगे क्योंकि उनमें ये चित्र आ चुका है, उनमें ये चित्र है।
उन्होंने इसकी कल्पना की। ऐसा कभी कोई मीनार नहीं देखा, इस तरह का कोई मीनार अस्तित्व में नहीं था, किसी ने कभी ऐसा कुछ नहीं बनाया था, ये किसी भी समय कभी भी वास्तविकता में नहीं था। लेकिन उनके मन ने इसकी कल्पना की और उसकी ये चाह रखी। उन्होंने इसकी कल्पना की और ये मानो उनके मन में प्रिंट हो चुका था। एक बार कोई चित्र मन में बन जाता है तो उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। हेलो चित्र मन में बनाया जाना चाहिए। ये मन में चित्र कैसे बनता है, आपको क्या लगता है उन्होंने इसकी कल्पना कैसे की? मैं आपको बताऊं वो क्या कर रहे थे। उनकी भाषा एक ही थी और उनका मन एक था, इस तरह से बाइबल कहती है। लोग एक दल के थे और उनकी एक ही भाषा थी। जानते हैं उन्होंने क्या किया? जब ये कहता है कि उन्होंने इसकी कल्पना की, वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि ये मीनार कितनी ऊंची होगी, कि स्वर्ग तक पहुंचेगी, और ये मीनार कितना अद्भुत होगा, ये तो उनके शहर की महिमा होगी, और ये कैसे उनके लिए बड़े महान घमंड और सारी बातों को लाएगा। वो बस यही तो कह रहे थे, उनके मुंह से यही बात निकल रही थी, यही एक दूसरे से वो बातें कहते जा रहे थे। वो इसे कह रहे थे, इसे गा रहे थे और यही कह रहे थे, मतलब वो इसे कह रहे थे, इसे गा रहे थे और सभी से इसके बारे में कह रहे थे, अपने आप से इसके बारे में कह रहे थे। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें इतना प्रोत्साहित कर दिया था, वो इतना ज्यादा कहते जा रहे थे। जानते हैं आप कैसे एक चित्र को कैसे आप बना सकते हैं, किसी चीज का अपने मन में चित्र बना सकते? बाइबल कहती है कि आपकी जीभ निपुण लेखक की लेखनी है। आपकी जीभ, जैसे आप इसे कहते हैं, इसे बुदबुदाते हैं, जैसे आप इसके बारे में प्रोत्साहित होते हैं और इसके बारे में बस कहते चले जाते हैं, तो आप सच में क्या कर रहे हैं? आप तो सच में इसे लिख रहे हैं, अपनी जीभ से, जीभ का पेन जैसे उपयोग करते हैं। आप अपने दिल में, अपने मन में ये सारी बातें लिखते हैं जिसके बारे में आप कह रहे हैं। आप चित्र बनाते हैं, इस कल्पना को आप आकार देते हैं, जैसे बताते हैं कि कैसा ऊंचा होगा और इसकी महिमा कैसी होगी और ये कैसा दिखेगा, ये सब तो वो चित्र बना रहे थे। ये बस इसी के बारे में है। उन्होंने कल्पना की, मतलब सच में उन्होंने इस पर मनन किया था, वो इस विषय पर ही बने रहे और उन्होंने इसे अपने सारी बातों के लिए मुख्य बना लिया। सभी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, इसके बारे में कह रहे थे, कोई इसे रोक नहीं सकता था, परमेश्वर ने कहा, तो उसने आकर इसे रोका, क्योंकि कोई भी उन्हें इसे रोक नहीं सकता था। यही तो कल्पना की सामर्थ होती है, कोई उन्हें सीमित नहीं कर सका, केवल उनकी कल्पना ही उनकी सीमा थी, कोई सीमित नहीं कर सकता था। परमेश्वर कल्पना के बारे में बस यही तो कहता है। Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee, please be still. In all of life's ebb and flow, Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name.
mine, oh, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon he's coming back to welcome me far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown, I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, is my every longing, keeps me singing as I Jesus, sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, my soul, like the sea billows roar, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy flood my soul, like the sea billows roar. Wonderful, wonderful, isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful?